हेलो वेलकम नमस्कार आदाब काल एक बार फिर से आ चुके हैं हम लाइव मैं गौरवयास आपका आर एस सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं वंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं आई होप सब मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में गर्दा लेवल पर गजब लेवल पर टुचुक् से व्यस्त होंगे चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे एक कदम आगे इसी के दौरान यहाँ पर बता दूं कि ये आपके सामने सी डी एस एन डी ए फाउंडेशन का टाइम टेबल दिया गया है साहब इसमें क्या बताया गया है कि आपकी डेली सुबह सात बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट की क्लास होती है कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस लगाना भी उतना ही जरूरी है तो क्वेश्चंस के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर आना है और उस पर तीन बजे आकर सी डी एस एन डी ए वाले गर्दा लेवल के गजब लेवल के लंका लगाने वाले प्रश्नों को करना है इसके अलावा प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है अभिमन्यु बैच को एनरोल करना है अभिमन्यु बैच जो आपको दिया जा रहा है डेडिकेटेड सीडीएस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है जय राम जी की राधे राधे वंदे मातरम नमस्कार 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 खुश रहो खुश रहो जय राम जी की राधे राधे वंदे जय 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 रे, जे हिंद, जे हिंद। पेरेंट्स है ना? चलिए ओके अरे पुतुआ लाला मुन्ना आ गए सारे के सारे अरे फटाफट से सबको बुला लो बोल दो कि चलो साहब हो चुकी है क्लास स्टार्ट अरे जल्दी 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 जल्दी, जल्दी क्लास को शेयर मार दो फटाफट पट से और सबको बुला लो बोला चलो 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 कहां सो रहे हो सुबह हो गई मामू है ना हाँ तो इस दौरान आपको सी डी एस एनडीए की प्रैक्टिस क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लासेस की आपको लिंक दी जाएंगी इसके साथ साथ सेल्फ रिविजन के लिए आपको हमारा अभिमन्यु नोट्स बैच दिया जा रहा है जिसमें नोट्स बैच में क्या है इसमें टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए जाते हैं कॉन्सेप्ट के नोट्स पूरे के पूरे अपलोड कर दिए जाते हैं रैंकिंग सिस्टम नेगेटिव मार्किंग ऑल इंडिया लाइव टेस्ट और डाउट सेशन की फैसिलिटी बताई जाती है साथ साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी जानकारी टुचुक् से आपको टेलीग्राम पर दी जाती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल टीम इस पर सारे सर को जरूर ज्वाइन करें और अगर किसी तरीके का कोई डाउट कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर जिंदगी में हो तो उस दौरान जीके जीएस के जी के रिगार्डिंग आप मुझसे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं एप्लीकेशन से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप क्या कर सकते हो इनहेल्प नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए कॉल कीजिए और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ फ्रेंड शेयर मारो हो हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं टुचुक से हाँ तो क्या बात करनी है आज रॉक्स और इसके टाइप्स के बारे में यानी चट्टाने और इसके प्रकारों के बारे में हम देखेंगे कॉस्मोस हमारा कंप्लीट हो चुका है अर्थ के बारे में हम मैक्सिमम चीजें जान चुके हैं कि सोलर सिस्टम में सौर मंडल में पृथ्वी किस तरीके से क्या क्या <laughs> क्या क्या किस तरीके से क्या क्या उत्पात मचाती है बस उसी के साथ अब इस पृथ्वी पर इस अर्थ पर और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है और उनसे उत्पात मचाते हुए यूपीएससी हमारी लंका लगाती है तो हम यूपीएससी की लंका लगाने के लिए क्या करें पहला टॉपिक जियोमोर्फोलॉजी का है ना भू आकृति विज्ञान का पहला टॉपिक हमारे सामने है रॉक्स एंड इट्स टाइप चट्टाने और उनके प्रकार ओहो गुरु जी कैसे हो अरे मस्त झकासू झका अल्टीमेट हूं फेंटा बुलसू आप बताओ क्या हालचाल है राधे 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 चलिए रॉक्स चट्टाने जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये गोल मटोल शालिग्राम शंकर जी जैसे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना क्या होता है अर्थ पर पृथ्वी पर जितने भी हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल होते हैं है ना जितने भी हार्ड एंड सॉफ्ट मैटर होते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है उन्हें रॉक्स कह दिया जाता है चट्टाने कह दिया जाता है और इन्हीं रॉक्स से इन्हीं चट्टानों से अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है है ना तो पृथ्वी पर अर्थ पर जितने भी कठोर और मुलायम तत्व होते हैं उनसे मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है रॉक्स का फॉर्मेशन होता है चट्टानों का निर्माण होता है अगर कहा जाए तो रॉक्स के फॉर्मेशन के दौरान अगर कहा जाए तो लगभग वन वन टेन कितने एक सौ दस प्रकार के 110 प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो रॉक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं हां साहब तो चट्टानों के निर्माण में 110 प्रकार के तत्व भाग लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा छह प्रकार के हमारे पास आते हैं मिनरल छह प्रकार के एलिमेंट आते हैं जो रॉक्स के फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा निर्माण करते हैं क्लियर ओके हाँ ठीक हाँ अब अगर आगे बढ़े एक मिनट छ नहीं होंगे सॉरी ये नहीं होंगे आठ होंगे है ना तो आठ प्रकार के तत्व सबसे ज्यादा रॉक के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वहीं पर अगर कहा जाए तो इसी दौरान हमारे पास ये देखने को मिलता है कि साहब कुछ मिनरल्स भी होते हैं खनिज भी होते हैं तो खनिजों में लगभग 2000 से लेकर 2400 तक खनिज हमें देखने को मिलते हैं मिनरल्स देखने को मिलते हैं है ना तो 2000 से लेकर हमारे पास क्या है 2400 तक जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं रॉक्स के फॉर्मेशन में चट्टानों के निर्माण में और इसके फॉर्मेशन के दौरान मेनली अगर कहा जाए मुख्य रूप से छह मिनरल्स पार्टिसिपेट सबसे ज़्यादा करते हैं हाँ तो ये याद रखने वाली बातें हैं के लिए जी हाँ, पहला क्या है वन वन टेन टाइप के क्या होते हैं हमारे पास एलिमेंट होते हैं जिसमें एट टाइप के एलिमेंट आठ प्रकार के तत्व चट्टानों के निर्माण में मैनली पार्टिसिपेट मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करते हैं और अर्थ में 200 से 24 2000 हजार से चौबीस सौ हजार और चौबीस यानी 2000 से 2400 खनिज हमें देखने को मिलते हैं जिसमें मुख्य रूप से छह प्रकार के खनिज ही सबसे ज्यादा योगदान देते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे बाबा रे बाबा इंग्लिश की क्लास लाइक करना अरे भाई साहब क्लासेस को तो लाइक करा करो नहीं तो मजे नहीं आएंगे है ना क्लास को लाइक करो शेयर मारो कमेंट वीडियो पे जरूर करके बताया करो कि कैसी क्लासेस लग रही है है ना ओके okay, चलिए तो अब अगर बात करें तो चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से मेनली कहा जाए तो नीचे से जब मैग्मा निकलता है नीचे से मेंटल से मैग्मा निकलता है है ना और मैग्मा निकलने के दौरान ही जब वो बाहर क्रस्ट पर आता है ठंडा होता है और ठंडे होने से ठोस हो जाएगा कठोर हो जाएगा और उससे जिस टोपोलॉजी का फॉर्मेशन करेगा जिस स्थलाकृति का निर्माण करेगा उसे हम का कह देंगे भैया उसे चट्टान कह देंगे उसे रॉक कह देंगे है ना तो चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं चट्टाने जैसे कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले सभी कठोर और मुलायम पदार्थ का कहलाते हैं बोला सर चट्टान कहलाते हैं रॉक्स कहलाते हैं है ना चौबीस सौ होगा अरे मेरे लाला मैंने लिख दिया दो हजार से लेके चौबीस सौ के बीच में है ना बेटा ओके तो क्या है हमारे पास अरे बाबू लिख दिया सुनील राय दो हजार से चौबीस सौ के बीच में अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा चलता है है ना तो क्या है भूपृष्ठ पर सभी मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टानों का फॉर्मेशन करते हैं माना के तत्वों के योग से और खनिजों के योग से क्या बनते हैं चट्टान बनते हैं तो तत्वों के योग से एलिमेंट आपस में जॉइंट होंगे और जॉइंट होने के दौरान कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे तो उससे क्या बनता है जब एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे मिनरल्स बनेंगे और कई मिनरल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे रॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो साहब तत्वों के योग से खनिज बनेंगे और खनिजों के योग से कौन बन जाएगा खनिजों के योग से रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर कहा जाए तो नेचर में वन वन टेन टाइप के टोटल हमारे पास एलिमेंट देखने को मिलते हैं हालांकि 118 118 होते होते हैं, होते हैं, लेकिन ऐसे 110 प्रकार के एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं जो कि चट्टानों में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं लेकिन इन एट प्रकार के इन आठ प्रकार के तत्वों में इन 110 प्रकार के तत्वों में भी मुख्य रूप से ये जो आठ तत्व हैं कौन से ये जो एट एलिमेंट हैं जैसे के ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46 परसेंट सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास कौन रहता है ऑक्सीजन रहता है सर चौबीस हजार कर दिया आपने अरे लाला अच्छा 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 ये कह रहे हो हे भगवान तो ऐसा बोलो ना अच्छा बोलो ना चौबीस हजार कर दिया ये लो मेरे लाला अब चौबीस सौ हो गया हाँ है ना ओके चलिएगा हाँ सॉरी शक्तिमान <laughs> चलो हाँ चलिए ओके तो हमारे पास क्या है एट टाइप के एलिमेंट भाई साहब चीते की फुर्ती बाज की नजर और बाजीराव की तलवार से कोई नहीं बच सका है तो मुझे आपकी इतनी बाज जैसी नजर देखते हुए बाजीराव की याद आ गई और बाजीराव कौन थे वो मैं इतिहास में बताऊंगा है ना हाँ। चलिए ओके तो क्या है आठ ही तत्व तो हमारे पास मुख्य रूप से होते हैं जो कि रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं सबसे ज्यादा सिगनते ज्यादा क्या ऑक्सीजन आता है 46 परसेंट छियालीस प्रतिशत भाग हमारा ऑक्सीजन का देखने को मिलता है और इसी के कारण क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका होता है ऑक्सीजन का हमें देखने को मिलता है ना तो ऑक्सीजन का देखने को क्रस्ट में क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है मैं यहां पर मेटल नहीं बोल रहा हूं एलिमेंट बोल रहा हूं एंड ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट क्लियर चलिए इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद सिलिकन आता है फिर एल्यूमिनियम आता है है ना फिर मैग्नीशियम आता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है कैल्शियम हाइड्रोजन सोडियम आयरन इनके फॉर्मेशन से हमारे पास क्या होता है रॉक्स का निर्माण होता है तो क्या है हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम एंड द आयरन है ना तो क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिल्कन, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम एंड द आयरन फॉर्म द रॉक्स है ना तो रॉक्स का निर्माण करते हैं अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है लगभग दो हजार से भी अधिक खनिज होते हैं मिनरल होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं चट्टानों का निर्माण करते हैं जिसमें से 20 से 24 खनिज ही हमारे पास ओ 2000 से ज़्यादा मिनरल होते हैं क्रस्ट पर अर्थ में है ना जिसमें से 20 से 24 प्रकार के ही मिनरल रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं और मैनली कहा जाए मुख्य रूप से कहा जाए तो छह खनिज हमें देखने को मिलते हैं क्लियर तो सिक्स काइंड ऑफ मिनरल मैनली फॉर्म द रॉक्स विच इज नेम एज द फल्स पर पाइरोक्सिन, एम्फीबोलाइट माइका एंड ओलिबिन कौन कौन से हैं हमारे पास है, फेल्सपार क्वार्टजाइट पाइरोक्सिन, एम्फीबोलाइट माइका और ओलिबिन ये सिक्स मिनरल हैं जो क्या कर रहे हैं रॉक्स के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर जी ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है लगभग फोर्टी सिक्स परसेंट के आसपास होता है है ना मुन्ना चलो ओके आगे बढ़े नेक्स्ट चले तो नॉर्मली जो रॉक्स होती हैं कितने टाइप की होती हैं सर ए यू गोल्ड भी पाया जाता है बिल्कुल गोल्ड भी पाया जाता है सिल्वर भी पाया जाता है कॉपर भी पाया जाता है, है ना तो गोल्ड सिल्वर कॉपर ये भी हमारे पास रॉक्स में देखने को मिलते हैं हाँ चलिए ठीक अब अगर बात करें अब अगर बात करें तो साहब ये चट्टानों की इतनी बड़ी रामायण सुनाई क्या चट्टाने केवल चट्टाने ही होती हैं केवल चट्टाने ही होंगी रॉक्स केवल रॉक्स ही होती है? है कोई भी पत्थर देखे हम बोलते हैं रॉक्स है बोला हां बोल दो सही है रॉक्स है लेकिन साहब यहाँ दिक्कत ये आई कि मैं एक विद्वान व्यक्ति के साथ गया था उसने बोला ये देख रहे हो ये चट्टान मैग्मा से बनी है ये देख रहे हो ये चट्टान क्या है परतदार है हवा के जरिए मिट्टी ला के आई गई और मिट्टी लाके आई गई और उससे जमी ये देख रही हो ये चट्टान पहले ऐसी हुआ करती थी अब ऐसी हो गई है मतलब क्या था कहने का मतलब यह था कि रॉक्स को क्या किया गया है उनके फॉर्मेशन के बेस पर उनके निर्माण के आधार पर और टाइम के बेस पर अलग अलग पार्टिसिपेट में अलग अलग भागों में बांटा गया है 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 ना तो क्या है? हमारे पास अलग अलग पार्टिसिपेट में अलग अलग भागों में बांटा गया है क्लियर हाँ. तो अलग अलग, भाग में हमारे पास को अलग अलग पार्टिसिपेशन में बांट दिया क्लियर हाँ तो अब देखते हैं कितने पार्ट में हम रॉक्स को बांट सकते हैं कितने भागों में तो तीन टाइप के जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा टाइप्स ऑफ रॉक क्या है तीन प्रकार हैं सबसे पहला क्या आता है सबसे पहला गुरुजी जी यहां पर इग्नियस रॉक लिखा है यानी आग्नेय चट्टान सबसे पहला क्या है इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान दूसरा अगर सेकंड की बात करें सेकंड क्या लिखा है सेडिमेंट्री यानी कि कहा जाता है अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री यानी अवसादी और दूसरा तीसरा क्या है मैटामोफिक अगला क्या मैटामोर्फिक यानी कायांतरित या फिर कायांतरित नहीं बोलो तो बोल लो रूपांतरित ठीक क्या बोल दो हाँ तो क्या बोल देंगे हम या तो कायांतरित बोल दो या फिर रूपांतरित बोल दो मेटामॉर्फिक रॉक बोल दो तो तीन टाइप की रॉक हमें देखने को मिलती हैं कौन सी इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामोफिक यानी आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टान हमें देखने को मिलती हैं। तो लीजिए साहब ये तीनों के तीनों यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कौन कौन सी इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक बोला गुरुजी नाम तो बता दिए लेकिन साहब इनका फॉर्मेशन निर्माण कैसे हुआ निर्माण के क्रम में अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको रॉक्स के फॉर्मेशन में दी गई है निर्माण के क्रम में बताई गई है कैसे देखो ऐसे अस्से होगी है ना हाँ कमेंट ऑफ अरे मामा लाला ला रे पढ़ लो कमेंटमेंट में कुछ नहीं रखा है है ना कुछ नहीं रखा है सब मोह माया है हाँ पढ़ना ही जिंदगी में काम आएगा यहाँ पर कमेंट करके जो आप सोचते हो कि मैं छा जाऊँगा ना मुन्ना हमें छाना कब है हमें छाना है जब हमारा नाम एन की लिस्ट में आए और हम ताओ से आकर बोले कि लो साहब सिलेक्ट हो गए वो छाना अलग छाना होता है यहाँ पर आपको दस आदमी जाने पच्चीस आदमी जाने जब सिलेक्ट होके आओगे तो भाई साहब हजारों आदमी जानेंगे वो होता है जानना असली है ना गुरुजी सीडीए का गेट मुश्किल है आ, या एनडीए का ठीक हां तो सीडीएस का सीडीए का ना तो सीडीए का गेट मुश्किल है और ना ही एनडीए का क्योंकि सीडीए में गेट आता ही नहीं है गेट एनडीए में आता है सीडीएस में हमारे पास जीके का पेपर होता है पर्टिकुलर है ना मुन्ना हाँ चलिए चलिए ओके हाँ, चली, ओके 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आ, सर सबसे ज्यादा कौन सी रॉक पाई जाती है अर्थ में बेटा अर्थ में जो सबसे ज्यादा रॉक पाई जाती है हमारे पास अवसादी चट्टाने देखने को मिलती है ना कौन सी अवसादी चट्टाने हमें देखने को मिलती हैं क्लियर चलो अब आगे बढ़ते हैं <laughs> हाँ, अब आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से बनता है थोड़ा सा फोकस कर लेना मेरे लाला जैसे कि ये है मैग्मा ये जेली टाइप का दिखाई दे रहा है ये क्या है मैग्मा है मैग्मा नीचे से निकलेगा कहाँ से निकलेगा बोला मैग्मा हमारे पास अर्थ के नीचे से निकलेगा मेंटल में से मैग्मा निकलेगा और मेंटल में से जैसे ही मैग्मा निकलेगा तो वह अर्थ के क्रस्ट पर फैलेगा अर्थ के क्रस्ट पर फैलेगा धरती की सतह पर फैलेगा और धरती की सतह पर फैलने के दौरान क्या होगा एटमोस्फियर के वायुमंडल के कनेक्शन में आएगा तो अर्थ की सरफेस पर फैला धरती की सतह पर फैला और वायुमंडल के कनेक्शन में आया अब जैसे ही एटमोस्फियर के कनेक्शन में आएगा तो मैग्मा इज टू हॉट मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म रहता है इतना गर्म रहता है कि बाई चांस आप थोड़ी सी उंगली उससे टच कर दो आपकी उंगली पिघला के निपटा देगा है ना तो जब मैग्मा अर्थ पर आएगा तो साहब बहुत ज्यादा गर्म रहता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके कंपेयर में बहुत कम रहता है तो क्या होगा हीट का ट्रांसफर होगा और जब हीट का ट्रांसफर होगा तो धीरे 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 मैग्मा में से हीट रिलीज होगी और एटमॉस्फेयर में मिलती जाएगी और इसके कारण मैग्मा में कूलिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी यानी ठंडे होने की स्थिति बनना चालू हो जाएगी और इस के कारण मैग्मा ठंडे होने के कारण जो चट्टान बनती हैं इन्हें क्या कहते हैं इग्नियस रॉक कहा जाता है सर थोड़ा सा मैग्मा के बारे में बताओ ना क्या है बेटा मैग्मा मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ समझा रहा था जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझा रहा था तब तो मैंने एक रीजन बताया था जो कि मेंटल बताया था और मेंटल में मैंने आपको बोला था कि गरम गरम पिघला हुआ सेमी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्या पाया जाता है मिनरल पाए जाते हैं खनिज पाए जाते हैं तत्व पाए जाते हैं है ना तो वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं मेंटल वाले में मेंटल में उसे मैग्मा कहा जाता है और जब ये मैग्मा अर्थ पर निकल बाहर आ जाता है और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिल जाता है तब इसे लावा कहते हैं है ना? तो जब तक यह मेंटल में है भूप्रवार में है, अर्थ के अंदर है तो क्या कहते हैं मैग्मा कहते हैं और जब यह किस पर निकलकर आ जाता है जब यह निकलकर अर्थ के क्रस्ट पर आ जाता है धरती की सतह पर आ जाता है और क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम है तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिल जाते हैं तो इसे लावा कह दिया जाता है ना लावा तो समझते हो ना हाँ बिल्कुल वही वाला लावा क्लियर ठीक हां ओके चलिएगा अब आगे बढ़े तो जब मैग्मा ठंडा होगा क्या होगी कूलिंग की प्रोसेस होगी ठंडा होगा ठंडा होने के दौरान क्या होता है साहब जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं इग्नियस रॉक क्या कहते हैं आग्ने चट्टान कहते हैं है ना तो क्रस्ट से मैग्मा निकला बाहर आ, मतलब मेंटल से नीचे से पृथ्वी से अंदर से मैग्मा निकला बाहर आया वायुमंडल में ठंडा हुआ और ठंडा होने के कारण जिस चट्टान का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे इग्नियस रॉक कहेंगे आग्नेय चट्टान कहेंगे अब देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण हो चुका है देखिए किसका रॉक का फॉर्मेशन हो चुका है लेकिन अब ये जो इग्नियस रॉक है क्या होगा साहब इस पे से होकर पानी भी गुजरेगा इस पे से होकर आप लोग भी गुजरोगे इस पे से होकर हवा भी गुजरेगी है ना इस पे से होकर आपकी गाड़ियां भी गुजरेंगी इस पे से होकर पूरे के पूरे धरती के जानवर गुजरेंगे तो जब इस पर से ह्यूमन एक्टिविटी होती है या फिर कहा जाए तो वाटर होकर फ्लो होता है या फिर हवा होकर गुजरती है तो क्या लगता है फोर्स लगता है इस पर घर्षण बल लगता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है है ना फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो क्या होता है इससे छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल यानी कि इसमें क्या होता है छोटे छोटे कण बाहर निकलना चालू हो जाते हैं अब मान लीजिए जैसे जैसे चीज पुरानी होती जाती है पुरानी होती जाती है तो हमारे पास मान लो कोई भी सेब है या फल है फल जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो सड़ना चालू कर देगा डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है उसमें सड़ने गलने की प्रक्रिया होना चालू हो जाती है बोला बिल्कुल सर इसी तरीके से इसी तरीके से जैसे कपड़ा पुराना होता है तो कपड़ा भी धीरे धीरे क्या होता है छनता जाता है और कई जगह पर उसमें छेद निकल आते हैं होल निकल आते हैं क्यों निकलते हैं क्योंकि कपड़े से भी धीरे धीरे उसका क्या होता है क्षरण होता है है ना कपड़ा भी हमारा छनता जाता है बस ऐसे ही टाइम के साथ धीरे धीरे करके इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान जो के हमारे पास आ, कहा जाए तो पानी के कारण या हवा के कारण बल लगता है और इसमें क्या होता है वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस होती है सड़ना गलना चालू कर देती है टूट फूट होना चालू हो जाती है या फिर कहा जाए तो तूट फूट के साथ साथ इसमें से कण छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल जिन्हें हम धूल कहते हैं वो क्या है इन चट्टानों से निकलना चालू कर देते हैं अब निकले तो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे ना है ना अगर निकले निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे तो जब पानी के साथ या हवा के साथ इन आग्नेय चट्टानों में वैदरिंग और इरोजन यानी कि अप अपक्षय और अपरदन की क्रिया वेदरिंग का मतलब होता है यानी चट्टानों का सड़ना गलना टूटना और एरोजन का मतलब होता है ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा होना है ना तो जब इसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है तो इसके कारण छोटे 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 छोटे, -छोटे सेडिमेंट बन जाते हैं ये जो छोटे, छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं है ना छोटे 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 सेडिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है अब पार्टिकल है तो क्या होता है ये ऐसा तो है नहीं कि एक साथ निकले और एक साथ दूसरी जगह जाकर इकट्ठे हो जाएंगे नहीं क्या होता है पहले कुछ निकले कुछ पार्टिकल निकले वो दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठे हुए फिर उसके बाद और निकले तो वो भी इकट्ठे हुए फिर और निकले तो वो भी इकट्ठे हुए तो साहब यहां से कण निकलेंगे और कण निकलने के दौरान पहले एक लेयर इकट्ठी होगी फिर उसके बाद दूसरी फिर उसके बाद तीसरी फिर उसके बाद चौथी इस तरीके से एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक ये परत के रूप में किसके फॉर्म में परत के रूप में क्या होते हैं इकट्ठे होते जाते हैं तो साहब इनसे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान कहा जाता है और साहब ये कैसी होती है परतदार होती हैं, लेयर्ड होती हैं। कैसी होती है लेयर्ड यानी परतदार हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिएगा अगर परत है तो साहब आप जैसे ही पहली परत आई साहब इस पर कीड़े मकोड़े चीटा चीटी धीरे धीरे टहलना चालू कर दिए वाव वाव क्या इस स्मूथ सतह मिली है। इस पर तो मजे आएंगे तब तक पता पड़ा दूसरी लेयर आकर इसके ऊपर इकट्ठी हो गई तो साहब छोटे छोटे कीड़े मकौड़े इन परतों के बीच में दब जाते हैं और दबने के कारण मर जाते हैं और मरे हुए ही कीड़े मकोड़ों के जो हमें अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं फॉसिल कहा जाता है क्या कहते हैं उन्हें फॉसिल कहा जाता है यानी कि इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा फॉसिल देखने को मिलेंगे जीवाश्म देखने को मिलेंगे है ना क्या मिलेगा जीवाश्म देखने को मिलेंगे क्या मिलेगा फॉसिल देखने को मिलेंगे तो इग्नियस रॉक वेदरिंग होगा इरोजन होगा और वेदरिंग इरोजन के कारण किसका निर्माण होगा छोटे छोटे कणों का निर्माण होगा और ये कण हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और क्या होगा एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक, एक एक के ऊपर एक, एक, एक लेयर के फॉर्म में बिछ जाएंगे जब लेयर के फॉर्म में बिछ गए तो इनके बीच में छोटे 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 कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हमारे पास दब जाते हैं और दबने के कारण इनमें हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं दबेंगे दबने के बाद मर जाएंगे मरने के बाद इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे जीवाश्म देखने को मिलेंगे यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाए जाते हैं फॉसिल पाए जाते हैं है ना सेडिमेंट्री रॉक में क्या पाया जाता है फॉसिल पाया जाता है थर्ड में बताएं सर प्लीज थर्ड में क्या बताएं थर्ड में हमारे पास क्या था पहले पर मैग इग्नियस रॉक थी दूसरे पर सेडिमेंट थे और और तीसरे पर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होता है सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे होते जाएंगे इकट्ठे होते जाएंगे तो परत का निर्माण हो जाएगा और परतदार होने के दौरान ही क्या होगा इनमें बीच में कीड़े मकोड़े दबकर मर जाएंगे और उससे किसका निर्माण हो जाएगा फॉसिल का यानी कि हमारे पास जीवाश्म इसमें देखने को मिल जाएंगे अब देखिए अगला क्या आता है नेक्स्ट क्या आता है तीसरे नंबर पर तीसरे स्थान पर कौन सी आती है मेटामॉर्फिक रॉक आती है तीसरे पर क्या आती है मेटामॉर्फिक रॉक आती है क्या होता है जब सेडिमेंट्री रॉक पर टेम्परेचर एंड प्रेशर की किसकी हीट एंड प्रेशर की प्रोसेस होती है किस पर मेट, सेडिमेंट्री रॉक पर या फिर इग्नियस रॉक पर आग्नेय चट्टान पर भी ताप दाब की क्रिया होती है तो साहब सेडिमेंट्री रॉक हो यानी कि या तो क्या हो हमारे पास अवसादी चट्टान हो या फिर इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान हो टाइम के साथ टाइम के साथ धीरे 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 ये पुरानी होती जाती है जैसे आप टाइम के साथ धीरे 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 पुराने होते गए और पुराने होते 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 एक दिन अरे बेटा मैं ये कह रहा था कि रोटी बनी है कि नहीं बनी है ऐसे बूढ़े होगे कि नहीं होगे बोला बिल्कुल होंगे है ना बोला बिल्कुल होंगे और जब बूढ़े होंगे बुढ़ापा आएगा तो आपका क्या होगा चाल ढाल पूरी तरीके से बदल जाएगा ठीक चाल ढाल पूरी तरीके से बदल जाएगा बस कुछ ऐसा ही यहां पर होता है टाइम के साथ समय के साथ चट्टानों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं बिल्कुल तो इससे क्या होगा टेम्परेचर में चेंज होगा है ना तापमान में परिवर्तन होगा बार बार पर ठीक इसके अलावा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वायुमंडलीय दाब लगेगा है ना वायुमंडलीय दाब लगेगा ठीक वायुमंडलीय दाब, दाब लगेगा तो साहब और दाब की क्रिया के कारण चाहे वह आग्ने चट्टान हो चाहे वह अवसादी चट्टान हो अपना केमिकल केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन बदल जाता है तो क्या रासायनिक संगठन, है ना रासायनिक संगठन इनका क्या हो जाता है बदल जाता है किसका इग्नियस रॉक का और सेडिमेंट्री रॉक का और ये केमिकल कंपोजिशन ऐसा चेंज होता है अपनी मुख्य चट्टानों से बिल्कुल भिन्न होता है ठीक क्या है बिल्कुल अलग होता है अपनी मेन रॉक से मुख्य चट्टानों से बिल्कुल अलग होता है और इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है कायांतरित या रूपांतरित अपना रूप बदल लिया कि नहीं बदल लिया होनी तो चाहिए थी आगने लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया अब दूसरी क्वालिटी आ गई उसमें पहली वाली क्वालिटी रही ही नहीं तो रूप बदल लिया बहरूपीय की तरह व्यवहार किया है ना तो क्या होगा हमारे पास केमिकल कंपोजिशन इनका चेंज हो जाएगा और जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा तो उन्हें क्या कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतर चट्टान कहा जाता है इस तरीके से ये तीन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और ये तीन प्रकार की चट्टाने हमें अर्थ पर देखने को मिलती हैं। अब देखना इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है बिल्कुल बन सकती है सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है अब अगर बात करें इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है अगर कहा जाए मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है और अगर मेटामॉर्फिक रॉक कहा चली जाए नीचे चली जाए भूकंप के कारण या ज्वालामुखी के कारण वो नीचे सबडक्ट हो जाए और मैग्मा चैम्बर में चली जाए प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया के कारण तो इसके कारण फिर बाद में जाकर उससे इग्नियस रॉक भी बन सकती है यानी कि तीनों चट्टानों से तीनों चट्टानों का निर्माण हो सकता है है ना तो तीनों चट्टानों से तीनों चट्टानों का निर्माण हो सकता है क्या है मेटामोर्फिक को एक बार फिर से बता दो हां हाँ, चलिए अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं पीपीटी में आपको है ना पीपीटी में एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं क्लियर ओके चलिएगा हाँ है ना तो एक बार पीपीटी में रिवीजन करवा देता हूं फोटो होती हाँ चलिए हाँ, ओके चलिए देखते हैं जैसे इग्नियस रॉक है आग्नेय चट्टान है आग्नेय चट्टान में क्या लिखा है इनका फॉर्मेशन भूपटल के नीचे उपस्थित मैग्मा के ठंडे होने से होता है बिल्कुल है ना तो क्या है भूपटल यानी क्रस्ट के अंदर मैग्मा उपस्थित है मेंटल में और उसके ऊपर आके ठंडे होने से किसका इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है इन्हें सबसे पहले धरती पर किसका निर्माण होता है सबसे पहले धरती पर हमारे पास किस का बोला इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है इग्नियस रॉक का निर्माण होता है सबसे पहले अर्थ पर इग्नियस रॉक का ही फॉर्मेशन होता है इसके कारण इन्हें प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है अब देखिएगा जब नीचे से मैग्मा निकला तो मैग्मा निकलने के कारण क्या होगा ठंडा होगा और ठंडा होने के कारण यह क्या कर लेगा क्रिस्टल यानी कि कहा जाए तो ये रवे का निर्माण कर लेगा मान लीजिए आपने आ, जैसे कि कभी पॉलोथीन को गर्म किया है पॉलोथीन को गर्म करो और पोलोथीन को गर्म करके अचानक किस में डाल दो पानी में डाल दो तो पानी में जैसे ही पोलोथीन को गर्म करोगे वो टपकेगी तो उसे पानी में टपकाना तो क्या होगा छोटे 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 उसके बारीक बारीक से बारीक बारीक से बारीक बारीक से क्रिस्टल बनते हैं कि नहीं बनते पोलोथीन के बिल्कुल बनते हैं वो बिखर जाती है और उसमें छोटे छोटे कण पार्टिकल्स बन जाते हैं उसके बस इसी तरीके से इसी तरीके से हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि साहब जब ये बहुत गर्म मैग्मा नीचे से निकलकर अचानक से ठंडा होता है तो इसमें भी क्या है छोटे 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 कण बन जाते हैं पार्टिकल्स बन जाते हैं है ना तो यह कैसी होती है क्रिस्टलाइज्ड होती है कैसी होती है क्रिस्टलाइज्ड होती है यानी कि इनमें रवे पाए जाते हैं लेकिन साहब नीचे से निकला है कहाँ से मैग्मा चैम्बर से निकला है तो वहां पर तो कोई जानवर जाकर मरा नहीं था या वहां पर तो कोई आदमी जाकर गिरा नहीं था जिससे फॉसिल पाए जाएंगे तो इसके कारण हमारे पास इग्नियस रॉक में किसी भी तरीके के कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिलते हैं है ना कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिलते हैं हाँ बेटा पॉलोथिन पॉलीथिन एक ही बात है है ना चलिए तो इसमें कोई भी फॉसिल हमारे पास देखने को नहीं मिलते देखो लाला अपन तो शुद्ध गांव के आदमी हैं है ना अब अपन तो गांव में उन्हें पन्नी कहते हैं आप बोल बोलो पॉलीएथिलीन से बनती है एथिलीन के मल्टीपल चेन्स होती है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं और फिर पॉली का फॉर्मेशन करते हैं मानता हूं है ना लेकिन अपन तो पन्नी बोलते हैं उन्हें गांवों में हाँ चलिए क्लियर तो इसमें फॉसिल देखने को नहीं मिलते इन इग्नियस रॉक को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं है ना इन्हें भी दो भागों में विभाजित करते हैं हाँ मोमिया बिल्कुल मोमिया ठीक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक तो अंतर्वर्तीय आग्ने चट्टान जब मैग्मा निकलता है मैग्मा नीचे से जब निकलता है तो एक तो क्रस्ट पर आ जाता है बाहर क्रस्ट पर आकर जम जाएगा बाहर क्रस्ट पर आकर जम गया लेकिन कई बार क्या होता है इस क्रस्ट के अंदर भी मैग्मा जम जाता है जब क्रस्ट में क्रैक्स रहते हैं ना क्रस्ट में चटक रहती है तो उस चटक के कारण क्या होता है कि इन क्रस्ट के बीच में भी मैग्मा जम जाता है और जब क्रस्ट के बीच में मैग्मा जम जाएगा तो साहब अंदर भी तो मैग्मा के ठंडे होने से चट्टान का निर्माण होगा तो साहब जब क्रस्ट के अंदर मैग्मा जमेगा और उससे जिस चट्टान का निर्माण होगा उन्हें क्या कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या फिर अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टान कहा जाता है और यह पर क्रस्ट के अंदर गहराई में जमती है और ठंडा जब क्रस्ट के अंदर गहराई में जमेंगी तो एटमोस के कॉन्टेक्ट में आएंगी बोला नहीं आएगा वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएंगी और जब वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएंगी तो इनकी कूलिंग रेट क्या होगी धीमी होगी कैसी होगी कूलिंग रेट धीमी होगी तो साहब इसमें हमारे पास जो क्रिस्टल है वो बहुत बड़े बड़े बनेंगे जितनी तेजी से ठंडी होगी उतना ही क्रिस्टल छोटे होंगे और जितनी तेजी से जितनी धीमे ठंडी होगी उतना ही क्रिस्टल बड़े बनेंगे है ना तो अधिक गहराई में होने के कारण इनके ठंडे होने की दर कूलिंग रेट बहुत कम होती है और इसके कारण इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में जो क्रिस्टल बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं कैसे बनते हैं बड़े बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है अब मान लीजिए गहराई में तो जमी है लेकिन अगर मान लो ये बहुत ज्यादा डीप में है बहुत ज्यादा डेफ्त में है तो इन्हीं इग्नियस रॉक को इन्हीं अंतर्वर्तीय आग्नेय चट्टानों को प्लूटोनिक रॉक्स कह दिया जाता है है ना जो के यूनान ग्रीक के देवता माने जाते हैं प्लूटो जो पाताल के देवता माने जाते हैं है ना तो इन्हीं को क्या कह देते हैं प्लूटोनिक रॉक या पाताली चट्टाने भी कह दिया जाता है क्या कह देते हैं प्लूटोनिक रॉक या पाताली चट्टाने भी इन्हें कह दिया जाता है क्लियर ठीक ओके नेक्स्ट चलते हैं बोला सर अंदर नहीं जमी बाहर आ गई अंदर नहीं जमी कहां पर आ गई बाहर क्रस्ट पर निकल कर आ गई तो साहब बाहर आई है तो बाहर आई है तो बाहर आई है तो बाह्यवर्ती तो आग्नेय चट्टान हो जाएंगी है ना जब मगमेगमा भूपटल पर आ जाता है क्रस्ट पर बाहर आ जाता है और इसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक या बाह्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ठंडे होने की दर बहुत ज्यादा तेज होती है और जब ठंडे होने की दर बहुत तेज होगी तो इनमें क्रिस्टल कैसे होंगे छोटे छोटे होंगे रवे छोटे छोटे हमें देखने को मिलेंगे क्लियर ये कभी छिद्रयुक्त तो भी हो सकती है ये पोरस भी हो सकती है नॉर्मली जो इग्नियस रॉक होती है उसमें छेद नहीं पाए जाते हैं ना नॉर्मली इग्नियस रॉक हार्डेस्ट रॉक ऑफ द अर्थ देखने को मिलती है आग्नेय चट्टाने पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टाने होती हैं लेकिन अगर कहा जाए तो साहब इनमें जब कठोर हैं तो इनमें छेद नहीं होंगे ठीक छिद्र नहीं होंगे तो नॉर्मली इग्नियस रॉक में छेद या छिद्र नहीं होते ये छिद्रयुक्त नहीं होते इनमें होल्स नहीं होते लेकिन साहब कभी कभी एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक में हमें छेद देखने को मिल जाते हैं क्लियर ये चट्टानों में ही छेद होते हैं जिसके कारण ही वाटर क्या होता है छन कर में नीचे जा पाता है अगर चट्टानों में छेद नहीं होगा तो वॉटर नीचे हाइड्रोस्फियर में नहीं पहुँच पाएगा Clear? Okay. चलिए अगला आता है अवसादी चट्टान अवसादी चट्टानों में क्या बताया था हमारे पास इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक यानी आग्नेय और कायांत्रित चट्टानों के किससे वेदरिंग और इरोजन से अपक्षय और अपर्दन से क्या होता है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है अब अपक्षय कैसे होगा अपर्दन एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी होती जाएंगी तो किस रूप में हो रही है लेयर के फॉर्म में हो रही है परत के फॉर्म में हो रही है तो इसके कारण इन्हें क्या कहेंगे? फ्लैकी रॉक रॉक या परतदार भी कहेंगे। क्लियर? तो कहेंगे? तो इन्हें क्या भीमंडग्नियमंडगनियस रॉक में नहीं मिलता है डायमंड कोयले से फॉर्म होता है कोल से फॉर्मेशन होता है और कोल सेडिमेंट्री रॉक है है ना? डायमंड कोल से फॉर्म होता है कोल सेडिमेंट्री रॉक है और डायमंड मेटामॉर्फिक है है ना तो हीरा क्या है परिवर्तित हो रहा है ना रूप बदल रहा है रूप बदल रहा है तो कैसा हो जाएगा मेटामॉर्फिक हो जाएगा है ना ओके चलिए है ना ओके चलिए अरे मुझे ये समझ में नहीं आता आप पढ़ते हो या लड़ते हो आप पढ़ते हो या लड़ते हो ये मुझे समझ में नहीं आता कोई बोल रहा है योर लैंग्वेज कोई बोल रहा है कि क्या फालतू कमेंट कर रहे हो अरे मेरे लाल पढ़ ले बेटा कुछ नहीं रखा है है ना इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है जो कमेंट बॉक्स में आप लगे रहते हो ना इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको ईमानदारी से बताऊं बाद में जाकर यही सोचोगे कि काश यार उस दिन ध्यान से समझ लिया होता और अगर ये डाउट अब मेरे दिमाग में उठ रहा है उस टाइम पर कमेंट में सर से पूछ लिया होता तो यह डाउट भी क्लियर हो जाता है? क्या तुम बेवकूफों की तरह हरकतें देते रहते हो हैं और बता दूं आपको ईमानदारी से इज्जत से बता दूं बेटा जी आपकी जो रेपोटेशन है ना आप जो सोचते हो कि वो आपकी इज्जत है वो आपकी नहीं आपके पेरेंट्स की इज्जत है आपके घरवालों के स्टेटस से ही आपको दुनिया जज करती है तो जब तक मम्मी पापा हैं, तब तक आपको दुनिया एक अलग स्टेटस से जज करेगी जब आप कुछ करने लगोगे तब आपका स्टेटस बनेगा अभी आपका कोई स्टेटस नहीं है शुद्ध भाषा में कहा जाए तो अभी आपकी कोई इज्जत नहीं है तो बेटा जब तुम्हारी इज्जती नहीं है तो बेज्जती क्या खाक होगी तुम्हारी तो बेटा बेज्जती होती ही नहीं है कुछ और इज्जत और बेज्जती केवल मेंटल लेवल है मानसिक स्तर है है ना यहां पर कोई भी आदमी यहां पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको पर्सनली जानता हो केवल कमेंट के जरिए जानता है आप उसके सामने से होकर भी निकल जाओगे ना तो भी वो बता नहीं पाएगा कि अच्छा ये था तो का तनाव लेते हो पढ़ लो जिससे जिंदगी बनेगी हा हा डायमंड कोल डायमंड से बनता है वो डायमंड कोल से बनता है ना हाँ, चलिए ओके हाँ, चलिए, अब क्या है इसमें क्या होता है फ्लैकी रॉक होती है परदार चट्टाने हमें यह देखने को मिलती हैं। इसमें फॉसिल पाया जाता है जीवाश्म पाया जाता है छोटे 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 माइन्यूट से इस पर चींटे कीड़े मकोड़े चींटी, चींटी आकर इकट्ठा हो जाती है तो क्या है इसमें फौसे लमे देखने को मिलेगा इनका जमाव बहुत तेजी से होता है अतः इसमें रवे नहीं पाए जाते ये क्रिस्टलाइज्ड नहीं होती है लेकिन पोरस होती हैं छिद्र इनमें हमें देखने को मिलते हैं तो रंध्रमय होती हैं है ना हमारे पास रंध्रमय होती है छेद देखने को इनमें मिलते हैं एक से दो बजे के बीच में, में मेरा कॉलिंग टाइम है क्लियर अगला कहा जाए तो ये वीक होती है कंपेयर रूप से इग्नियस रॉक के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा वीक हमें देखने को मिलती है आसानी से टूट जाती है इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पहला ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला क्या आता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक जैविक अवसादी चट्टान जैसे कि आ आ जाता है, कोल आ जाता है, है कोल और पीट आ यानी पत्थर, कोयला और पीट कैसी है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक हमें देखने को मिलती है दूसरी इनऑर्गेनिक यानी अबायोटिक सेडिमेंट्री रॉक जैसे सैंडस्टोन, इसके अलावा क्ले सॉयल शेल और सेल क्लियर तो हमारे पास क्या है बलुआ पत्थर चीका मिट्टी गोलाश्म चट्टान और शैल हमारे पास कैसी देखने को मिलती है अबायोटिक सेडिमेंट्री रॉक हमें देखने को मिलती है और तीसरी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक तीसरी क्या है रासायनिक अवसादी चट्टान जिनमें केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें केमिकल प्रोसेस हो सकती है जैसे कि सॉल्ट रॉक नमक की चट्टान नमक के चट्टान नमक भी ध्यान रखना चट्टान से ही मिलता है रॉक से ही मिलता है।, है ना जैसे पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज है वहां पर क्या है सॉल्ट हमें देखने को मिलता है और पाकिस्तान की इसी सॉल्ट रेंज से क्या आता है फलहारी नमक आता है जो फलहारी नमक आप खाते हो ना बड़े ताव से व्रत के टाइम पर के फलारी नमक खाया जाता है वो फलारी नमक इंडिया में नहीं बनता है उसे पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है सॉल्ट रेंज से तो सॉल्ट रेंज में कैसी है नमक की चट्टान केमिकल है रासायनिक चट्टान है।, है ना इसके अलावा खड़िया चट्टान खड़िया खड़िया कभी देखा होगा बचपन में खड़िया मिट्टी होती है तो पत्थर होता है खड़िया जिससे आप बचपन में अगर कभी गांव में जाना तो उससे आप क्या करते हो सिलेट पर लिखते हो या फिर गांव में पोता लगाया जाता है गांव में डिज़ाइन बनाई जाती है ना तो एक पत्थर को गलाया जाता है और गलाने के बाद उससे गांव में अलग अलग तरीके की बनाई जाती है वो क्या होता है खड़िया होता है और सेंड स्टोन सेल खड़ी हमें देखने को मिलती है क्लियर ओके। अगला क्या आता है या चट्टान टेम्परेचर प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक अपना रूप बदल लेती है किसके ताप दाब के कारण इग्नियस रॉक या फिर अगर कहा जाए तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज कर लेती है और इनकी जो कंपोजिशन होता है वो मैन रॉक से कंप्लीटली डिफर होता है पूरी तरीके से भिन्न होता है मुख्य चट्टान से पूरी तरीके से अलग होता है दूर दूर तक कोई मिलान नहीं है, है ना जैसे कि आपके जो नेचर है वो आपके घर में किसी से नहीं मिले तो बोला ये छोरा तो अलग ही है इस घर में बोला पापा कितने अच्छे शांत स्वभाव के मम्मी कितनी धार्मिक कार्यों वाली भाई इसका बड़ा देखो कितना मेहनती ये तो अलग ही आया है पता नहीं कहाँ से आया है उत्पाती है ना तो इसी तरीके से क्या देखने को मिलता है हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अपना केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन बदल लेती है और रासायनिक संगठन बदलने के कारण ये अपने मेन रॉक से मुख्य चट्टान से पूरी तरीके से अलग होती है, है ना पूरी तरीके से अलग होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं रूपांतरित चट्टान कायांतरित चट्टान या मैटामोर्फिक रॉक कहा जाता है अब देखते हैं इग्नियस रॉक से कौन सी मैटामॉर्फिक रॉक बनती हैं कायांतरित चट्टान से कौन सी ओ आग्नेय चट्टान से कौन सी कायांतरित चट्टान हमारे पास देखने को मिलती है हाँ। हाँ, तो आग्नेय चट्टान से कौन सी कायांतरित चट्टान बनी है जैसे कि ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या है इग्नियस रॉक है और इससे क्या बनती है नीस बनती है है ना तो ग्रेनाइट से क्या बनी नीस बनी बेसाल्ट बेसाल्ट से कौन सी रॉक बनती है एम्फी वोलाइट बनती है बेसाल्ट से कौन सी एमफीबोलाइट बनती है क्लियर तो ग्रेनाइट से कौन सी बनी नीस बनी और बेसाल्ट से कौन सी बनेगी एम्फीबोलाइट बनेगी क्लियर बेसाल्ट से ही सिस्ट भी बनता है बेसाल्ट से सिस्ट भी बनता है ग्रेवो ग्रेवो से कौन सी सरपेंटाइन बनती है तो साहब ग्रेनाइट हुई बेसाल्ट हुई है ना ग्रेवो हुई ये क्या है इग्नियस रॉक है और इनसे कौन सी ग्रेनाइट से नीस बन रही है बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन रही है सिस्ट बन रही है से हमें देखने को मिलती है क्लियर आगे चलते हैं आगे क्या है सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंटरी रॉक जैसे शेल शेल अवसादी चट्टान है और ये अगर चेंज होगी तो किसमें होगी स्लेट में होगी जो आप स्लेट रहते हो ना स्लेट पर लिखते हो वो स्लेट कैसी है चट्टान है यानी है और किससे बनी शेल से बनी है ना तो शेल स्लेट फॉर्मेशन करती है लाइम चूना पत्थर चूना पत्थर से क्या बनता है संगमरमर बनता है चूना पत्थर से क्या बनता है संगमरमर यानी मार्बल का फॉर्मेशन होता है लाइम स्टोन से मार्बल का फॉर्मेशन होता है बोला मार्बल केवल लाइम स्टोन से ही नहीं चौक से भी बनता है है ना तो चौक से भी क्या बनता है लाइम हमारे पास है। क्या है चौक से भी मार्बल का फॉर्मेशन होता है क्वार्ट्स क्वार्ट से क्या बनता है क्वार्टजाइट बनता है क्वार्टजाइट एक ऐसा पत्थर होता है जो कि टेम्परेचर का अपोज करता है तापमान का विरोधी होता है क्वार्टजाइट कैसा होता है तापमान का विरोधी होता है इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमेशा कूल रहता है इसे एक और नाम दिया जाता है इसफटिक क्या कहते हैं इसे इसफिक भी कहा जाता है है ना तो क्वार्टजाइट क्वार्ट हमारे पास देखने को मिलता है क्लियर अम्लीय चट्टान किसे कहते हैं चट्टान बेसाल्ट को कहते हैं बेसाल्ट है? को कहा जाता है एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको 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 नहीं इग्नियस रॉक है बेसाल्ट रायोलाइट को कहते हैं अम्लीय चट्टान है ना रायोलाइट को अम्लीय चट्टान कहते हैं बेसाल्ट को नहीं रायोलाइट को कहते हैं क्लियर ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक और क्या आती है सैंडस्टोन आती है सैंडस्टोन से भी क्वार्टजाइट बनता है कांग्लोमेरेट से भी हमारे पास क्वाटाइट का फॉर्मेशन होता है है ना कांग्लोमेरेट से भी हमारे पास क्वाटाइट का होता है कोयले से कोल से क्या बनेगा कोयले से ग्रेफाइट बनेगा और हीरा बनेगा है ना तो कोयले से क्या बनता है ग्रेफाइट बनता है और हीरे का फॉर्मेशन होता है क्लियर अगला मेटामॉर्फिक रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है कायांत्रित चट्टाने भी कायांत्रित चट्टानों में बदलती हैं क्लियर सर अम्लीय चट्टाने क्या होती हैं बेटा अम्लीय चट्टाने यानी कि आपने पीएच वैल्यू सुनी होगी सोरेन्सन ने एक पीएच स्केल दी है है ना और जब हम रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन लेते हैं तो केमिकल कंपोजिशन लेने के दौरान अगर रॉक्स की पीएच वैल्यू सेवन से कम आती है है ना क्या है कि जब हम चट्टानों को लेते हैं तो मुंह में अगर डालें तो उनका भी एक टेस्ट रहता है अगर वह सेवन से कम रहता है तो उसे अम्लीय कहा जाता है सेवन से ज्यादा रहता है तो क्षारीय कहते हैं है ना ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं कायांत्रिक चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट है बोला बिल्कुल है स्लेट लेकिन स्लेट आगे बदलेगी फाइलाइट में स्लेट भी आगे किस में बदलेगी फाइलाइट में चेंज होगी फाइलाइट भी आगे चलकर किस में चेंज होगी सिस्ट में चेंज होगी और सिस्ट आगे चलकर हमारे पास सरपेंटाइन में बदल जाएगा क्लियर तो ये हमारे पास है स्लेट फाइलाइट में फाइलाइट फाइळाय सिस्ट में चेंज होती है क्लियर ये अब देखें, अब देखें तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है चट्टानों से किससे जब चट्टाने इंक्लूसिव इग्नियस रॉक जो मैंने अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टाने बताई थी ना अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टाने जो कि क्रस्ट के अंदर जाकर जमती हैं, तो जब क्रस्ट के अंदर जाकर जमती हैं, इंक्लूसिव इग्नियस रॉक तो कई तरीके की क्या है स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं कई तरीके की टोपोलॉजीज का फॉर्मेशन करती हैं जैसे कि है है, 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 सिल है, और है, ना तो ये इतने प्रकार की किसका निर्माण कर रही हैं टोपोलॉजीज का फॉर्मेशन किसमें कर रही हैं अंदर कहां पर पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर ये इतने प्रकार की चट्टाने बनती हैं इतने प्रकार की स्थलाकृति बनती है इनके जमने के कारण जैसे यह है ये क्या बन रहा है बोला सिल बन रहा है ये लोपोलिथ बन रहा है ये फैकोलिथ बन रहा है ये लोकोलिथ बन रहा है है ना और ये बेथोलित का निर्माण हो रहा है क्लियर तो ये हमारे पास जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टाने होती हैं तो उनके जमने से इनका निर्माण होता है इनके बारे में भी समझा दो बेटा इनके बारे में मैं, मैं वॉलकैनो में समझाऊंगा है ना किसमें ये कहा जाए तो एक तब तरीके से वॉलकैनिक आकृति होगी जब वॉलकैनो समझाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा क्लियर चलिए इसके अलावा आज शाम को इसी की रॉक्स की ही प्रैक्टिस करेंगे है ना क्योंकि इसको तुरंत ही खत्म कर ले वो ज्यादा अच्छा है नहीं तो ये दिमाग से साफ हो जाएगी स्टेबल नहीं होगी आज शाम को तीन बजे ही हम क्या करते हैं इसी रॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार रिवीजन करके आना किस में प्रैक्टिस कराई जाएगी अभिमन्यु लाइव बैच में प्रैक्टिस कराई जाएगी शाम को तीन बजे और नोट्स इसके कहां पर मिलेंगे अभिमन्यु नोट्स बैच में इसके नोट्स मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अगर कोई कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी अगर इस टॉपिक में और रह गई हो तो आप क्या कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे एक से दो बजे के बीच में कॉल करके बात कर सकते हैं चलिए इसी के साथ लेता हूं विदा अभिषेक सर की क्लास आने वाली है सीडीएस वाले सारे के सारे शेर वहां पहुंचेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम